हाय फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो है कि आप हेयर ऑयलिंग कैसे करें जिससे कि आपके हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाए, और अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं तो स्टार्ट हो जाए, और हेयर फॉल भी आपका कम हो जाए। तो मैं कैसे करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो पहले लेना है एक आपको इम्पटी बॉल, और फिर लेना है कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पे मैं कोकोनट तेल ले रही हूँ, वो है ये पैरासूट का एलोवेरा जेल वाला जो नया अभी लॉन्च हुआ है, ये बहुत ही अच्छा है। और दूसरा आपको लेना है बादाम ऑयल। बादाम ऑयल अगर नहीं है तो कस्टर्ड ऑयल ले ले, ऑलिव ऑयल ले ले, या फिर और कोई बादाम ऑयल है जैसे डाबर का तो वो ले ले। इसको 4 से 5 बूंद डालना है। उसके बाद विटामिन ई की कैप्सूल ले लें एक, और इसे काट कर इसका जितना भी ऑयल है वो इसमें निचोड़ कर पूरा डाल दे, और ये कंपलसरी है आपको मिलाना। तो इससे ही आपके हेयर फॉल कम होंगे और हेयर ग्रोथ इंक्रीज होंगे। तो प्लीज़ इसे बिल्कुल स्किप ना करें, इसे आपको मिलाना ही मिलाना है। तो ये मेरा हेयर ऑयल तैयार हो गया है, और अभी समर है इसलिए मैं इसे गर्म नहीं करूँगी, लेकिन हाँ विंटर में आपको इसे गर्म करके अपने सर में लगाना है। तो गर्म कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको डबल बॉइलिंग प्रोसेस से इसे गर्म करना है, डायरेक्ट गर्म नहीं करना है गैस के ऊपर चढ़ाकर। डबल बॉइलिंग प्रोसेस क्या होता है कि एक कटोरे में गर्म थोड़ा पानी ले ले, गर्म होने के लिए दे दे, और उसमें उसके ऊपर ये डाल दे, और वह उसके बाद से इसे गर्म करना है। और गर्म उतना ही करे जितना कि आप सह सके, ज़्यादा गर्म ना कर ले। चलिए अब मैं इसे लगाकर आपको दिखाती हूँ। करने से पहले आपके हेयर के जितने भी टैंगल है उसे रिमूव कर लेना है। तो पहले आप हेयर कॉम्ब कर ले, देखिए मैंने कर लिया है। उसके बाद आपको बीच से पार्टीशन करना है जैसा मैं वीडियो में कर रही हूँ आपको करना है। फिर एक कॉटन बॉल लेना है, और उसको इस जो ऑयल हम लोगों ने मिक्सर बनाया है उसमें डीप करना है, और ऐसे आपको पार्टीशन कर के लगाना है पूरे हेयर में आपको। इससे क्या होता है कि आपके हेयर रूट में अच्छे से ऑब्जर्व होता है, स्कल्प में अच्छे से जाता है, पेनिट्रेट होता है ऑयल आपके हेड में। तो वो क्या करता है आपके हेड को एक रिलैक्स फील होता है, रिलैक्सिंग सेंसेशन देता है, और जिससे कि हमारा हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है और हेयर फॉल भी कम होता है। तो आप हमेशा हेयर ऐसे ही लगाएं, ये बहुत अच्छा एंड बेस्ट तरीका है हेयर ऑयलिंग का। मैं ऐसे ही करती हूँ, और उसी तरह आपको बैक साइड में भी लगा लेना है आपको कॉटन की हेल्प से ही। कॉटन को डीप करना है और आपको लगाते जाना है, जैसा मैं वीडियो में लगा रही हूँ उसी तरीके से आप फॉलो करें। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरा हर तरफ लग गया है। इससे क्या होता है कि एक भी जगह आपका छूटता नहीं है, हर तरफ लग जाता है, पूरे स्कल्प में लग जाता है अच्छे से। तो ये मुझे मेटेरियल बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे फॉलो कर रही हूँ तो मुझे फ़र्क दिख रहा है अपने हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ दोनों में ही। तो अब आपको क्या करना है, नीचे में लगाने के लिए आपको हाथ में थोड़ा सा लेना है ऑयल, और ऐसे लगा लेना है आपको नीचे। नीचे लगाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत लोग नहीं लगाते हैं, स्किप कर देते हैं इसे, तो स्किप ना करें। इसमें भी पोषण डालना बहुत ज़रूरी होता है, रुखे हो जाते हैं ना हमारे बाल नीचे में, ज़्यादा रुखे होते हैं। तो आपको अच्छे से यहाँ पे लगाना है, और हाँ नीचे में लगाते समय से रब ना करें, तो लगा लेना है बस जैसे मैं लगाई। अब आपको क्या करना है कि 2 से 3 मिनट मसाज करना है, तो फिंगर टिप से करें, नाखून से ना करें जैसा मैंने आपको अभी दिखाया, फिंगर टिप से करना है। और इससे क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, और हमारा हेयर ग्रोथ और जितने भी हेडेक होते हैं, टेंशन होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, सब कुछ चला जाता है। तो आप इसे करके देखना, अगर बहुत थके हुए हो और आप ऐसे हेयर ऑयलिंग करोगे तो आपको इतना रिलैक्स फील होगा ना कि मैं क्या बताऊं। तो मैं तो करती हूँ हमेशा, जब भी मैं बाहर जाती हूँ या फिर नॉर्मली भी मैं ऐसे ही हेयर ऑयलिंग करती हूँ। जो बचा कुचा है मैंने उसे हेयर में ऐसे लगा लिया, अब नीचे में फिर से मैं वैसे ही कर रही ताकि मेरा हेयर ऑयलिंग नीचे में भी अच्छे से लग जाए। तो उसे ऐसे लगा लेना है। देखिए अब आपको कॉम करना है, तो कॉम हमेशा नीचे से करें, नीचे से करते हुए ऊपर की तरफ जाएं, इससे हेयर फॉल कम होता है। हेयर फॉल कम क्या, बहुत कम हो जाता है, मतलब ना के बराबर होता है। तो देखिए अब मैं हेयर कॉम कर रही हूँ, नीचे कर लिया, मैं ऊपर से कर रही हूँ हेयर कॉम। तो आपको नॉर्मली भी हेयर कॉम ऐसे ही करना चाहिए। आपने अगर नहीं देखा मेरा वीडियो तो वीडियो चेकआउट करें मेरे चैनल पर जाके हेयर कॉम के बारे में। हेयर कॉम मैंने कर लिया, मेरा एक भी बाल नहीं टूटा जैसे मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया। अब आपको जूरा बना लेना है, हाई जूरा, या फिर आप ब्रेड
बना के सो सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल फील हो। अब मैंने बना लिया है, अब मैं जा रही हूँ सोने। अब सुबह उठूँगी नॉर्मल शैम्पू से, जैसे मैं वॉश करती हूँ अपनी हेयर को वैसे वॉश करना है। उसके बाद आप अपने डिफरेंस देखेंगे हेयर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।